मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लगी चोट पर बड़ा खुलासा हुआ है। ममता बनर्जी को किसी ने पीछे से धक्का दिया है। उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ बीजेपी के नेताओं ने की है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार को बताया कि कोलकाता के कालीघाट स्थित अपनी आवास पर गिरने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माथे पर बड़ी चोट आई। इसके साथ ही हॉस्पिटल से ममता बनर्जी की तस्वीरें भी शेयर की गई, जिसमें उनके माथे पर एक बड़ा सा कट दिख रहा है। हालांकि फिलहाल ममता बनर्जी को डिस्चार्ज कर दिया गया है, जिसको लेकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर मणिमोई बंदोपाध्याय ने गुरुवार रात जानकारी दी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर ममता बनर्जी के प्रशंसकों के होश उड़ गए हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी रिपोर्टेड टू आवर हॉस्पिटल टुडे अराउंड 7:30 PM विद अ हिस्ट्री ऑफ फॉल विद इन द विसिनिटी ऑफ आवर होम due to some push from behind. She had a cerebral concussion and had a sharp cut over her forehead and nose which was bleeding profusely. Initially she was assessed by HOD neurosurgery, HOD medicine and cardiologist of our institute and her vitals were stabilized. 3 stitches has been applied on forehead and 1 on nose and required dressing was done. Investigations like ECG, echocardiogram, Doppler and CT scan etc. was done. Medical personnel have provided their opinion in this regards. She was advised to remain admitted for observation but she preferred to go home. She will continue to be under close watch and will continue to have the treatment as per advice of the team of doctors. She will again be assessed tomorrow and subsequent treatment will be decided accordingly. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बीते दिन कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर गिरने से माथे और नाक पर बड़ी चोट आई है, जिसको लेकर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITC ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर जानकारी दी थी। साथ ही चोट लगने के बाद हॉस्पिटल से ममता बनर्जी की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी, जिसके बाद से ही ममता बनर्जी के प्रशंसक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करने लगे। वहीं राजनीतिक गलियारों की बड़ी हस्तियों ने भी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी के सर्वोत्तम स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स हैंडल पर ममता बनर्जी को टैग करते हुए लिखा, मैं ममता दीदी के शीघ्र स्वस्थ होने और सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट के जरिए ममता बनर्जी के स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने लिखा, ममता जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पोस्ट में लिखा, मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और AITMC की संस्थापक अध्यक्ष ममता बनर्जी के अच्छे स्वास्थ्य और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूं। आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू ने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, वे जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी के स्वास्थ्य को लेकर एक्स हैंडल पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ये देखकर हैरान रह गया, आपके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करता हूँ दीदी, ईश्वर आप पर कृपा करे। वहीं पश्चिम बंगाल की राज्यपाल CB आनंद बोस CM ममता बनर्जी को देखने के लिए खुद हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां से बाहर निकलकर उन्होंने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है। I came for a personal verification with the doctors. They assured me everything is under control. Honorable CM is getting the best of medical treatment. Situation is under control. जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।